आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, सोनी लिप पर मास्टर शेफ इंडिया का प्रसारण हो रहा है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं और घरेलू महिलाएं जो हैं, घरेलू रसोईया जिनको कहा जाए, उनको शो प्रमोट कर रहा है। आज बहुत ही मशहूर जज और सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना के साथ टॉप 12 में जगह बना चुकी दो कंटेस्टेंट लखनऊ आई हैं, हिमाचल प्रदेश की निधि शर्मा और मेघालय की रहने वाली नाम्बी जेसिका। दोस्तों, नेशनल वॉच से इन तीनों ने बहुत दिल खोल कर बात करी, बहुत सारी बातचीतें हुई हैं, इसलिए हम आपको तीन पार्ट में इस खबर को दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिब्रिटी जज विकास खन्ना से। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू आज यहां पर बताए और साथ ही दीपावली पर खाना कैसे बनाएं, क्या कौन सी रेसिपी का इस्तेमाल करें, एक सीक्रेट राज भी आज विकास खन्ना ने नेशनल वॉच के साथ शेयर किया है। तो आइए तीन भाग में, सबसे पहला भाग हम देखते हैं सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना के साथ। ये सब अपने बायोस में टॉप 12 पे आके शेफ का खिताब लगाते हैं, एंड इट्स रेलेवेंट, इट्स वैलिड, इट लेजिट है, बिल्कुल ठीक है कि सारी दुनिया मानती है कि शेफ से, पता है कितने हजारों लाखों लोगों में से आके बढ़ के टॉप 12 पे आना, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। और हम भी कितने नुक्स निकालते हैं आगे, कितनी लेयर्स हैं, फिल्टर्स हैं, कि आपने छोटी सी डिश में छोटी सी गलती की, यूर आउट। आप देख सकते हैं कि ना, और हम टेस्ट कर रहे हैं तो वी फील के जो स्टैंडर्ड है इतना कभी भी ऊपर नहीं हुआ कि हम शेफ्स लेके आ रहे हैं बाहर से, मतलब हिंदुस्तानी शेफ्स हैं, और वो कह रहे हैं किस लेवल का खाना बनाए, वो सिंपल सा बना रहे हैं। मैं ये तो ये दाएं हाथ से बना लेंगे, लेकिन यू हैव टू गिव, हम उनको भड़का रहे हैं अपने बाहर के हर शेफ को, और मुश्किल दो इनको और वो कहते हैं ये दो घंटे में हो जाएगा। तो जर्नी आई टेस्ट चैलेंजेस अभी भी, और मुझे 14 साल से मैं ही टेस्ट चैलेंज करता हूँ, कितने समय में हो सकता है ये टू मेक अ डिसेंट डिश, कितने समय में, अगर वहाँ पे आता है मेरे 2 घंटे तो हम इनको 2.5 घंटे 20 मिनट्स 30 मिनट्स ग्रेस। अब वही चीज़ जो है वो बिल्कुल ही बदल गई इस बार, कि हम लोग दे रहे हैं इनको टाइम 1.5 घंटे का, सब बना रहे हैं। सो इट वॉज हम लोगों के लिए चैलेंज हो गया, इसको 1 घंटा करो, लेट्स सी, एंड दे डिड इट वेल एंड इट वॉज अमेजिंग। इतने सालों की ट्रेनिंग है सबकी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मास्टर शेफ के आने से, सोशल मीडिया से, सबका खाने का जो स्पीड है और समझ है बढ़ गई है, वो भी इवॉल्व हो रहा है, एक साइड पैरेलली वो चीज़ इवॉल्व हो रही है, दिख नहीं रही है हमको कि इतनी समझ खाने के साथ, प्लेटिंग की समझ, हर चीज़ की समझ। कुछ दिन पहले का हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था नाम्बी के साथ, तो मैंने कहा नाम्बी अगर आप जीतते हैं तो हजारों लाखों लड़कियाँ जीतेंगी, आपका जीतना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट यू नो दीज गर्ल्स कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, आई रिलेट टू दैम, क्योंकि मुझे पता है रिसोर्सेज नहीं होते वहाँ पे, एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, फैमिली की सपोर्ट भी बहुत कम रहती है, क्योंकि कह रहे हैं क्या कर, क्या मतलब है खाने का। सो आई कम फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द रिवर। शुरू में लड़कों ने लड़ा, लड़कियों को रोका गया फैमिलीज में कि होटल मैनेजमेंट नहीं करनी, लॉन्ग आवर्स हैं, मेल डोमिनेंट किचन है, किचन में बहुत लेट आवर्स हैं। सबसे पहले यही पेरेंट्स को डर रहता था कि रेस्टोरेंट बंद होगा 11 बजे, 12 बजे लड़की घर आएगी। Things have totally changed. अभी तो आप मान भी नहीं सकते कितने बड़े होटलों की एग्जीक्यूटिव शेफ्स औरतें हैं। गरिमा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ इंडियाज थॉट। व्हेन गरिमा गॉट द मिशलन November 14th, 2019, व्हेन शी गॉट द मिशलन, मैं कभी भी मिशलन मिलता है किसी भी दुनिया के कोने में मैं रोता हूँ, आई फील वेरी प्राउड, मतलब इमोशनल हो जाता हूँ। और गरिमा के टाइम पे तो मैं मतलब पागल हो गया था, हम लोगों ने पूरी पार्टी थ्रो की थी न्यूयॉर्क में, मैं हूँ ऐसा, आई थ्रू होल पार्टी के यस, जो आपने कहा उसका जवाब मिल गया सारी दुनिया को कि इंडियन औरतें जो है उनकी सीमा घर के किचन तक नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में राज कर सकती है। आवर टीचर्स हैव ऑलवेज, यू आर राइट टू सम पॉइंट, बट द टाइम्स हैव टोटली चेंज्ड। मेरा अभी कल्नरी सेंटर खुला है मणिपाल में, गैस करो कितनी परसेंट लड़की है उसमें शेफ बन रही है, जस्ट गिव इट अ रफ गैस, 50% फीमेल्स। After 10 years, they will be holding the biggest positions in the country. It's the world's most intense job, right? But क्या हुआ है कि slowly, slowly लड़कियां जब देख रही हैं लड़कियों की success, इनकी success देख रही हैं, they're also coming in the industry. विकास, एक आखिरी सवाल, लखनऊ आप आए हैं, लखनऊ की महिलाओं को दिवाली बहुत पास में है, बहुत सारे पकवान बनते हैं,
क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ महिलाओं को नहीं, मैं सबसे पहले महिलाओं को टिप दूंगा, प्लीज अपने आदमियों को भी किचन में लेके आओ, अकेले बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समय बदल रहा है। मैं यही कहूंगा उनको भी लेके आओ, अपने बच्चों को साथ में लेके आओ, कुछ ही बनाते हैं, याद रखें कि दिवाली कैसा उत्सव है हमारा, इसमें सब हम इकट्ठे होते हैं, एंड क्योंकि फूल है जो सिर्फ दिवाली पे खिलते हैं, तो आप मान सकते हैं कि कुदरत का भी पैगाम आता है हर साल दिवाली पे कि हमारा राजा घर आया। सो आई फील कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो ब्रिंग दोज किंग्स ऑफ आवर हाउसेज इन द किचन एंड टेल देम टू हेल्प अस। मेरी मम्मा तो बोलते थे, मेरी बहन भी डंडे मारती थी अगर आके मेरी हेल्प कर। सो आई लव दैट कि हम यही कहेंगे कि जो भी बनाएं दिल से बनाएं, क्योंकि दिल की सबसे बड़ी ताकत खाना ही है।